हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डिफेंडर्स यूट्यूब चैनल। सो जैसे कि आप सभी को पता ही है कि DSEU का एडमिट कार्ड रिलीज़ हो गया था, जैसे कि मैंने सुबह वीडियो बना ही दी थी, लेकिन उसमें ड्यू टू सम टेक्निकल ग्लिचेस जो आपका एडमिट कार्ड था वो डाउनलोड नहीं हो पा रहा था। उसमें इनवैलिड आपका DOB या इनवैलिड आपका जो एप्लीकेशन नंबर था वो बता रहा था, जिसकी वजह से आप एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पा रहे थे। तो अब फाइनली वो रिज़ॉल्व हो चुका है। अब आप DSEU की वेबसाइट पर जाकर आसानी से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे और आसानी से वो एडमिट कार्ड डाउनलोड हो भी रहा है। यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, एक कैंडिडेट का एडमिट कार्ड है जो कि मैंने खुद डाउनलोड किया है। ठीक है, तो डाउनलोड होकर ये कुछ इस तरह से आया। मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन हाइड कर दी है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर इन्होंने जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ निकल कर आई है इस एडमिट कार्ड में, वो ये है कि अभी इन्होंने जो एग्ज़ाम सेंटर है वो डिस्क्लोज़ नहीं किया है, वो नहीं बताया है। इसमें क्लियरली उन्होंने मेंशन किया है कि एग्ज़ाम सेंटर जो होगा वो 24 घंटे पहले, यानी कि अगर आपका एग्ज़ाम 15 तारीख को है तो 14 तारीख को आपको अपना एग्ज़ाम सेंटर पता चल जाएगा। अब वो पता कैसे चलेगा, तो वो ईमेल आपको करेंगे, जो भी आपने ईमेल आईडी दी हुई थी उस पर ईमेल आएगा, वहाँ पर लिंक देंगे वो, उस लिंक पर जाकर आपको अपना नया वाला एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। अभी जो ये एडमिट कार्ड आप देख रहे हैं, ये एडमिट कार्ड आपको लेकर नहीं जाना है, इससे आपकी एंट्री नहीं हो पाएगी। जो जिनका भी बेसिकली 15 तारीख को एग्ज़ाम है तो उनका 14 तारीख को एडमिट कार्ड आ जाएगा, वो जो लिंक होगा वो आपके ईमेल पर भेज देंगे। जिनका 14 तारीख को एग्ज़ाम है उनका 13 तारीख को एग्ज़ाम सेंटर पता चल जाएगा, ईमेल पर आपके पास ईमेल आ जाएगा, उस ईमेल पर एक लिंक दिया होगा, उस लिंक पर आप क्लिक करके आसानी से अपना न्यू एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, अब इस एडमिट कार्ड में क्या क्या प्रॉब्लम है ना, एक तो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है एग्ज़ाम सेंटर नहीं दिया हुआ है, इसके अलावा यहाँ पर फोटोग्राफ और सिग्नेचर भी नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो जो आप नया एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे उसमें आपका फ़ोटोग्राफ भी होगा, सिग्नेचर भी होगा और साथ ही में यहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर भी लिखा होगा। ठीक है, तो अभी बस उन्होंने इस तरह से ये एडमिट कार्ड प्रोवाइड करा दिया है बच्चों को, ठीक है, जिससे कि ज़्यादा पैनिक ना हो। तो जो आपका एग्ज़ाम सेंटर है वो आपको एक दिन पहले पता चल जाएगा, जो भी आपने ईमेल दिया हुआ था उसको आप चेक करते रहें, वहाँ पर आपको ईमेल आ जाएगा, वहाँ से आप आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। अब दूसरी चीज़ है कि एग्ज़ाम सेंटर में बेसिकली क्या क्या लेकर जाना है वो भी मैं बता देता हूँ, वो यहीं पर इन्होंने दे रखा है। ठीक है, तो इसमें इन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि एग्ज़ाम सेंटर में आपको क्या क्या लेकर जाना है, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, तो इन इंस्ट्रक्शंस को देख लेते हैं। तो इसमें इन्होंने क्लियरली बोला गया है कि कैंडिडेट्स आर प्रोविजनली परमिटेड टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन एज पर शेड्यूल इश्यूएंस, एडमिट कार्ड डज नॉट मीन दैट द कैंडिडेट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एलिजिबल। तो बेसिकली सिंपल सी बात है, यहाँ पर इन्होंने दे रखा है कि प्रिंट आउट ऑफ दिस एडमिट कार्ड, यानी कि जो आप नया वाला एडमिट कार्ड निकालेंगे ना, इस वाले एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट आपको नहीं ले जाना, जो नया एडमिट कार्ड होगा उसका प्रिंट आउट आपको निकलवाना है। ठीक है, उसके साथ साथ नए वाले प्रिंट आउट में आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी मिलेगा, इस वाले एडमिट कार्ड में वो अभी नहीं आया है, तो जो नया एडमिट कार्ड आएगा उसमें आपको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म की भी प्रिंट आउट लेना होगा, उसको घर से फिल करके ले जाना है एग्जाम सेंटर पर। ठीक है, तो आपको ये जो नया एडमिट कार्ड आएगा वो एडमिट कार्ड की प्रिंट आउट ले जानी है, उसके साथ सेल्फ डिक्लेरेशन का प्रिंट आउट ले जाना है खुद से फिल कर। इसके अलावा आपको कम से कम 2 से 3 फ़ोटोज़ लेकर जानी है, और फ़ोटो प्रेफरेबली आप वही लेकर जाएं जो आपके एडमिट कार्ड पर लगा हुआ था। ठीक है, तो वही फ़ोटो आपको लेकर जाना है। इसके अलावा आपको एक गवर्नमेंट आईडी भी लेकर जानी है, बेसिकली जो गवर्नमेंट से ऑथोराइज्ड हो आपको, वो उस आईडी में आप कुछ भी ले जा सकते हैं अपना, चाहे तो आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, या फिर वोटर आईडी कार्ड हो, लाइसेंस हो, तो जो भी आपके पास अवेलेबल है वो आप आसानी से ले जा सकते हैं। तो उसकी भी आप कोशिश करना कि एक कॉपी ज़रूर ले जाना, वैसे इसमें लिखा हुआ नहीं है कि वो कॉपी मांगेंगे, लेकिन ओरिजिनल तो आपको ले जाना ही होता है, उसके साथ एक कॉपी भी करवा लेना उसकी। ठीक है, तो वो लेकर चले जाना। तो ये 2-3 चीज़ें हैं, पहला एडमिट कार्ड, दूसरा आपका सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, तीसरा आपका जो ओरिजिनल आईडी है वो, और उसका एक कॉपी भी आपको ले जाना है, और उसके साथ साथ 2 या 3 फ़ोटो आप अपनी ले जाना जो कि आपके एप्लीकेशन फॉर्म पर लगी हुई है।
ठीक है, तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन था जिससे रिलेटेड आपके डाउट्स आ रहे थे एडमिट कार्ड से। तो आई होप मैंने आप सभी लोगों के जितने भी डाउट्स थे वो सारे क्लियर कर दिए होंगे। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रह जाता है इससे रिलेटेड, एडमिट कार्ड से रिलेटेड या एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई कर दूंगा। और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कीजिए, जितनी भी वीडियोस मैंने अपलोड कर रखी हैं उन्हें देखते रहिए, वहाँ से रिवाइज़ कर लें और अच्छे से अपना एग्ज़ाम देकर आइएगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।